दोस्तों आज की कहानी है अंतिम संस्कार। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे रोज नया वीडियो। आज सुबह सुबह फोन की घंटी बजी तो सुरेखा का दिल घबरा गया। न जाने क्यों किसी अनहोनी की आशंका से सुरेखा का दिल कांप उठा और आशंका सच होगी क्योंकि बेटी का दिल जो था पिता घर आए कष्ट को पहले बाप गया था। सुरेखा के जीजाजी का फोन था, सुरेखा पापा नहीं रहे। सुरेखा एक छींक से बेहोश हो गई। तभी सुरेखा के पति दिनेश पत्नी की आवाज़ सुनकर कमरे में आए। वह ने सुरेखा को होश में लाने की कोशिश की और वापस उसी नंबर पर फोन लगाया तो उन्हें पता चला कि उनके ससुर जी का स्वर्गवास हो गया है। दिनेश जी ने अपनी माँ को जगाया और बच्चों को दादी के पास छोड़कर पत्नी के साथ ससुराल के लिए निकल पड़े। दिनेश जी के दो छोटे छोटे बच्चे थे प्रांची और आर्यन। ससुराल पहुंचकर पता चला कि रात को एकदम बीपी आई होने से पापा का स्वर्गवास हो गया है। गमगीन माहौल था, छोटे बच्चों को लाना ठीक नहीं था। सुरेखा की हालत भी ठीक नहीं थी। अंतिम संस्कार और बाकी की रस्मों के बाद जब सुरेखा घर ला जाने लगी तो सुरेखा की माँ बोली, तुम्हारे पापा तो चले गए, अब मैं साथी हूँ, मेरे सामने जायदाद के हिस्से हो जाए। तो सुरेखा की बहन बोली, हाँ माँ ठीक है। तो सुरेखा बोली, हाँ हम अपना हिस्सा दहेज के रूप में ले चुके, मुझे कुछ नहीं। ये भाइयों से प्यार बना रहे और मायका आने का रास्ता खुला रहे। मेरा मायका बना रहे और भाइयों के प्यार में से हिस्सा चाहिए मुझे, पापा की जायदाद में से नहीं। सुरेखा की तीनों भाभियों ने सुरेखा को गले से लगा लिया और भाइयों ने भी सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। और सुरेखा की बड़ी बहन जायदाद के लालच में प्यार का हिस्सा तो खोई चुकी थी।